सुप्रीम कोर्ट दे विच अज इस वेल ते सुनवाई होनी सी पर उह सुनवाई टाल दित्ती गई है। 15 मार्च तक सुनवाई एस वाई एल दे मुद्दे ते सुप्रीम कोर्ट दे विच टाल दित्ती गई है। दस दिए कि दोहां राज्यां दे वल्लों अज आपो अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट दे विच दाखिल किया जाना सी, क्योंकि जदवी दे शुरुआत दे विच दोहां राज्यां दे मुख्यमंत्रियों की मीटिंग हुई सी ते इस मामले लैके उस वेले भी मीटिंग बेनतीजा रही सी ते अज दोहां राज्यां दे वल्लों सुप्रीम कोर्ट दे विच आपो अपने जवाब दाखिल किए जाने सी, रिपोर्ट दी जानी सी, पर अज सुप्रीम कोर्ट दे विच सुनवाई टल गई है। इस वेल दे मुद्दे ते सुनवाई होनी सी अज ते सुप्रीम कोर्ट दे विच सुनवाई टल गई ते अगली सुनवाई 15 मार्च तक टाली गई है। ज़्यादा गलबात लई साडा फोन लाइन ते मौजूद नहीं साडे पत्रकार अजय झा, जिन्हां नाल गलबात करांगे, पर उस तो पहला दी जेकर गल कीती जावे तां जनवरी दे विच दोहां राज्यां दे मुख्यमंत्रियों की मीटिंग हुई सी ते इस मामले दे विच केंद्र दे वल्लों विचोलकी कीती गई सी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत दे वल्लों मीटिंग कीती गई सी ते दोहां राज्यां दे विच इस मामले ते सहमति बनाउण दी कोशिश कीती गई सी, पर यह पूरी जो मीटिंग है बेनतीजा रही सी ते अज दोहां राज्यां दे वल्लों इस मुद्दे ते रिपोर्ट पेश कीती जानी सी पर इस मामले ते सुनवाई टल गई है। ज़रा गलबात लई साडा फोन लाइन ते मौजूद ने पत्रकार अजय झा। अजय, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही थी पर सुनवाई मार्च तक के लिए टल गई है, क्या कुछ और बात सामने आई है इस मामले में? देखिए, अभी जो जानकारी मिल रही है कि आज की तारीख तय की गई थी। पिछली बार जब सितंबर में सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई हुई थी तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जल संसाधन मंत्री के साथ दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक करें और बैठक में कोई रास्ता निकालने की कोशिश करें, लेकिन दो दौर की बातचीत हुई, दोनों दौर की बातचीत बेनतीजा रही। उसके बाद आज सुनवाई होनी थी, दोनों ही राज्य सरकारों को अपनी अपनी तरफ से दलीलें देनी थी, लेकिन इस पूरे मामले में दोनों सरकारों ने जो अभी जानकारी आ रही है कि वक्त मांगा है और जो है इसको लेकर जो भी और रिपोर्ट है उनको देने के लिए 15 मार्च की तारीख तय की गई है, जब सुप्रीम कोर्ट में एस वाई एल के मुद्दे पर अगली सुनवाई होगी। तब तक दोनों राज्य सरकार अपनी दलीलें मजबूत करेंगे, दोनों राज्य सरकारों की तरफ से अपना पक्ष रखा जाएगा और जिस तरह से पंजाब और हरियाणा की सरकारें अलग अलग तर्क दे रहे हैं, जिसमें हरियाणा सरकार का ये तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ट्राइब्यूनल बना के इस पूरे मामले को का समाधान निकालना है, पंजाब की तरफ से अक्रॉस पार्टी लाइन ये लगातार बात कही जा रही है कि पंजाब के पास सरप्लस पानी नहीं है, इसलिए एक बूंद पानी भी नहीं दिया जा सकता है। कई तरह के और सुझाव आ रहे हैं सामने, जिसमें एस वाई एल को बदलकर वाई एस एल करने की बात की जा रही है। तो कई सारी बातें हैं, दोनों राज्य सरकार अपनी अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी तर्क रखेंगे, कन्विंस करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन एक लंबा मामला है जो पिछले कई सालों से कई दशकों से चल रहा है। तो इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट भी बहुत संजीदगी के साथ और धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहता है। 15 मार्च की तारीख तय की गई है, उस वक्त दोनों सरकारों की तरफ से अपनी बात रखी जाए। अजय, सेंटर के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से भी ये कहा गया था कि मोदी जी जो हैं इस मामले का हल निकाले, क्योंकि पंजाब के पास भी एक्सेस पानी नहीं है, उनके पास ज्यादा पानी नहीं है, सो सेंटर के लिए ये उतनी बड़ी ही चुनौती बनी हुई है। निश्चित रूप से केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये एक बड़ी चुनौती है और ये एक ऐसा मामला है जिसमें हरियाणा की सभी राजनीतिक पार्टियां, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस और तमाम पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी है, इसी तरह से पंजाब की सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने राज्य सरकार राज्य के हितों के साथ है, जिसमें राजनीतिक पार्टियों का टकराव नहीं है, राज्यों के बीच का मसला है, जिसमें सभी राजनीतिक पार्टी पंजाब की एक साथ है और सभी राजनीतिक पार्टी हरियाणा की एक साथ है। ऐसे में इसका समाधान केंद्र सरकार द्वारा जो पहल की जाएगी, जो समाधान का रास्ता ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा, उसी के आधार पे हो सकता है और ये निश्चित रूप से 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ी चुनौती के तौर पे है। फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है, सुप्रीम कोर्ट में 15 मार्च को मामले पे सुनवाई होगी। जी, तमाम बातचीत के लिए शुक्रिया अजय। तो 15 मार्च को अगली सुनवाई होगी इस मामले ते एस वेल दे मुद्दे ते अज सुप्रीम कोर्ट दे विच सुनवाई होण जा रही सी पर यह सुनवाई 15 मार्च तक दे लई टाल दित्ती गई है। 4 जनवरी दोहां राज्यां दे मुख्यमंत्रियां दी मीटिंग होई सी पर उह मीटिंग भी बेनतीजा रही सी, बेसिट्टा रही सी। हालांकि सीएम भगवंत मान दे वल्लों यह किया गया सी कि एस वाई एल दे थां वाई एस एल बनाई जाए, सतलुज यमुना लिंक की बजाय यमुना सतलुज लिंक बनाई जाए ते पंजाब नूं पाणी दित्ता जाए, अते इस मामले ते दोहां ही राज्यां दे जो मुख्यमंत्री ने आपो अपनी गल ते अड़े रहे सी ते अज इस मामले ते सुनवाई होनी सी पर फिलहाल दे लई सुनवाई टल गई है ते 15 मार्च नूं हुण अगली सुनवाई इस मामले ते होवेगी।